दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार की अपडेट करेक्शन कराना हो तो कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर फोटो अपडेट करना है या फिर मोबाइल नंबर लिंक कराना है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड में जो भी अपडेट करेक्शन किया जाता है तो उसे आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि वोटर आईडी कार्ड का जो पुराना पोर्टल है वो पूरा बंद हो चुका है। अब वोटर आईडी कार्ड का नया पोर्टल आ चुका है। अगर आपने उस नए पोर्टल पर विजिट नहीं किया है तो उसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड के नए पोर्टल से आप अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार की अपडेट करेक्शन करना हो तो कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार के अपडेट क्रिएशन कराना हो तो उसके लिए आपको वोटर आईडी कार्ड के नए पोर्टल पर विजिट हो जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ता है। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो भी सर्विसेज दिया गया है वो सर्विस आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने इसमें आईडी नहीं बनाया है तो साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके एक नया आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपका बना हुआ है तो डायरेक्ट आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करना है, यानी जिससे आप आईडी बनाए होंगे वो आईडी का मोबाइल नंबर टाइप करना है और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड मिलेगा, इसको फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कैप्चा कोड वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। से वोटर आईडी कार्ड करेक्शन करने के लिए आपको नीचे आना है, जिसमें यहाँ पर आपको फॉर्म 8 दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे तो करेक्शन का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो सिंपली से आपको फिल फॉर्म 8 के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड करेक्शन कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो अदर के ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही दोस्तों अब यहाँ पर आपको उसका वोटर आईडी नंबर फिल करना है, जिसका भी आप वोटर आईडी कार्ड में क्रिएशन कर रहे हैं उसका वोटर आईडी नंबर फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस वोटर आईडी कार्ड में आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम अपना क्रिएशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों सेकंड में एक ऑप्शन मिलेगा, करेक्शन ऑफ इंट्रीज इन एग्जेक्टिव इलेक्टर रोल, की सेकंड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है और फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर 4-5 स्टेप मिल जाता है, यानी 5 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका वोटर आईडी कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई हो जाता है। ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब कुछ ऑटोमेटिक फील रहता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों अब यहां पर आ जाएगा आपका नाम, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम होगा वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां से आपका वोटर आईडी नंबर भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको मिल जाता है आधार डिटेल्स, यानी कि यहां पर आपको आधार नंबर अब फिल करना जरूरी है। अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम उसका आधार नंबर फिल करेंगे जिसका हम करेक्शन कर रहे हैं। के बाद दोस्तों यहां से आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, अगर आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहां पर हम अपना मोबाइल नंबर को भी टाइप कर देंगे। ईमेल आईडी दिया गया है, अगर आप ईमेल आईडी भी देना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर दोस्तों खुद का अगर मोबाइल नंबर नहीं तो आप अपने फादर मदर या फिर किसी अदर का भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों अब मेन चीज आ जाता है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या क्या करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आप एक साथ में 4 चीजें आप करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपको करेक्शन करना है एक साथ में आप 4 चीजें आप करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सभी को करेक्शन कर सकते हैं, पर यह चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या क्या करेक्शन करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने वोटर आईडी कार्ड में नाम करेक्शन करेंगे, तो इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना वोटर आईडी नंबर में मोबाइल नंबर भी लिंक करना है, या फिर अगर अपडेट करना है तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को भी करेक्शन करना चाहते हैं, तो इस पर भी हम सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आपको फोटो यहाँ पर करेक्शन करना है यानी अपडेट करना है, अपने मन पसंद का फोटो लगाना है, तो फोटो में आप सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सभी में ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाएगा नाम, यानी आप अगर नाम करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नाम डिटेल्स फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम नाम टाइप कर देते हैं, दोस्तों यहाँ पर हमने नाम टाइप कर दिया है। जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश में नाम फिल करेंगे वैसे यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर हिंदी में कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पर टाइपिंग का बॉक्स भी मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप टाइप करके करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने नाम टाइप कर दिया, हमें डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करना था तो हमने यहाँ पर नया डेट ऑफ बर्थ को भी फिल कर दिया। इस तरीके से आपको टाइप करना है। अब यहाँ पर अगर अपना मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करके आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, जैसे कि हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये भी सिलेक्ट किया था कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड में फोटो भी अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पर फोटो का भी ऑप्शन आ चुका है, यानी जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं वो फोटो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसमें इस साइज क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका 2 MB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपका PDF में होगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका फोटो है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अब यहाँ से आ चुका है डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि आप नाम के लिए क्या प्रूफ देना चाहते हैं और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो काफी सारे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड अवेलेबल होता है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल किया गया है, तो हमारे पास आधार कार्ड है तो इस पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो इसमें भी हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप दोनों में सेम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हम दोनों में आधार कार्ड को ही अपलोड कर देते हैं। जिस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर करंट डेट मिल जाएगा, यानी जिस दिन आप करेक्शन करते हैं उस दिन का डेट मिलेगा। आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्लेस मिल जाएगा, यानी कि इस वोटर आईडी कार्ड को किस जगह से आप करेक्शन कर रहे हैं उस प्लेस का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सभी डिटेल सही फिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टिक लग चुका है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड टाइप करना है, जो भी कैप्चा कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, इसी तरीके से आपको टाइप कर देना है। आपको प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल किया है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा कि आपने क्या करेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, एक बार आपको देख लेना है। अगर आपका कहीं पर भी गलत हुआ है तो यहाँ पर आपको कीप एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कुछ गलत हुआ है तो यहाँ से एडिट कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आ चुका है आर यू श्योर सबमिट फॉर्म, यानी कि आप श्योर हैं कि इस फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है सबमिटेड सक्सेसफुली, जिसमें यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस नंबर से अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि आपका वोटर आईडी कार्ड में क्रिएशन हुआ या नहीं हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे हम ओपन कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भी ओपन हो जाएगा, तो इस फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टेटस कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आपको होम पेज पर विजिट हो जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने स्टेटस अभी आ चुका है।
तो यहाँ पर अभी क्या है कि ये हमारा सबमिटेड हुआ है, यहाँ पर अभी करंट स्टेटस ये है। अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूवल करके आएगा, उसके बाद यहीं से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड भी कर पाएंगे, जिसमें यहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर या फिर अपना वोटर आईडी नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट करके सर आपको मिल जाएगा, यानी कि जैसे आपका बन जाएगा क्रिएशन हो जाएगा, साथ ही साथ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। करते हैं कि ये वीडियो काफी पसंद है, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।